हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक तय करे कि मेरे लिए ये संकल्प होगा, मैं ये करूंगा। नमस्कार, न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने में आसानी या कारोबार सुगमता के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यापार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो व्यापार करिए, और व्यापार भी अगर कोई करना चाहे तो कई लोगों का ये भी कहना होता है कि व्यापार तो हमारे ज़माने में होता था, तब बड़ा आसान था। कुछ लोग ये कहते हैं कि व्यापार करना, शुरू करना तो आसान है, उसको चलाए रखना बड़ा मुश्किल है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने ये क्यों कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ उसके उलट ये भी कहा जाता है कि जो जितना बड़ा जोखिम लेता है उसको लाभ भी उतना ज़्यादा होता है। व्यापार अपनी ओर आकर्षित करता है, व्यापार से समाज जुड़ते हैं, व्यापार से देश और देश जुड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भारत ने बड़ी ऊंची छलांगें लगाई हैं, और इस तरह अगर हम देखें तो भारत का ये रिपोर्ट कार्ड बहुत ही शानदार है। किस तरह का है, पहले फिल्म दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। पहले फिल्म। मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ रहे भारत ने देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। पहले किसी को अपना कारोबार शुरू करना होता था या फिर किसी विदेशी कंपनी को यहाँ निवेश करना होता था तो वो ये सोचकर ही पीछे हट जाती थी कि भारत में प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं, जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में बहुत सार्थक परिवर्तन हुआ है। अनेक स्तर पर उलझे सिस्टम को आज सरकार बिजनेस और सिटीजन फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रही है। पिछले 4 साल में देश में 1400 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया जा चुका है। पहले देश में कमर्शियल डिस्प्यूट को सुलझाने में करीब करीब 4 साल लग जाते थे। तमाम प्रयासों के बाद इसे अब कम करके 400 दिनों पर ले आया गया है। इंपोर्टेड सामान की क्लियरेंस में 2014 से पहले औसतन जहां 280 घंटों का समय लगता था, वहीं अब यह समय घटकर 144 घंटे का भी नहीं रह गया है। पर्यावरण मंजूरी जिसे मिलने में पहले वर्षों और महीने लग जाते थे, अब वैसी मंजूरियां कुछ हफ्तों में ही मिल जाती हैं। जीएसटी ने देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूत किया है। पहले के मुकाबले अब टर्न अराउंड टाइम में करीब करीब 15% की कमी आई है। इससे समय भी बच रहा है और कंपनियों का पैसा भी। श्रम कानूनों का पालन करने के लिए पहले उद्यमियों को 50-60 अलग अलग रजिस्टर भरने पड़ते थे। सरकार अब इन रजिस्टरों को कम करके 5 पर ले आई है। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे उद्यमी देर तक अपनी दुकानें खुली रख सकें, इसके लिए भी कानून को बदला गया है। जीएसटी से जुड़े छोटे कारोबारियों को अब 1 करोड़ का लोन सिर्फ 59 मिनट में मिल जा रहा है। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने, मार्केट का दायरा बढ़ाने, लाइसेंस और जांच से जुड़ी उसकी परेशानी कम करने के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। एक ऐसा वर्क कल्चर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है जिसमें फॉर्म जमा करने, दस्तावेज दिखाने या फी जमा करने के लिए सरकारी दफ्तर या किसी और एजेंसी के ऑफिस में जाने की जरूरत ही न हो। इस तरह का वर्क कल्चर पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस को और सशक्त करेगा। सरकार ने इस दिशा में स्पाइस प्लस के रूप में नई पहल की है। इसके तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय से जुड़े क्लियरेंस सिर्फ एक वेब फॉर्म स्पाइस प्लस के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। स्पाइस प्लस की शुरुआत 23 फरवरी से की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से भारत में कारोबार करना अब और आसान हो गया है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 रैंकिंग की सुधार के साथ भारत अब 63वें स्थान पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि इन प्रयासों से भारत कारोबारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। व्यापारिक गतिविधियों से हम सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। भारत 63वें नंबर पर है इस इंडेक्स में जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। इसका क्या अर्थ है
और किस तरह से ये पूरा परिदृश्य बदला है, विस्तार से समझने के लिए खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं श्री KVR मूर्ति, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार की ओर से। बहुत स्वागत आपका मूर्ति साहब। हमारे साथ हैं श्री आशीष गर्ग, आप प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री मनोज पांडे, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और साथ ही आप CEO हैं IEPFA के, बहुत स्वागत आपका। और हमारे अगले मेहमान श्री अतुल गुप्ता जी, आप प्रेजेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और साथ ही यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जाने माने जो अर्थशास्त्र को समझने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर इस चर्चा में हमारे साथ यहाँ शामिल रहेंगे। और अब हम बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले मूर्ति साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। अगर हम व्यापार शुरू करने की बात करते हैं, अब में और अब से कुछ साल पहले में क्या तब्दीली आई है? देखिए, भारत सरकार का ये संकल्प रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अपने देशवासियों को मिले, और ना सिर्फ ही मिले लेकिन ये महसूस भी हो, ये भारत सरकार का संकल्प रहा है। तो तकरीबन 4-4.5 साल पहले हम लोगों ने जायज़ा लेना शुरू किया था इस बात का। तो हमने पाया कि एक आम आदमी अगर एक कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसे कंपनी का नाम रिजर्व कराने के लिए और कंपनी का गठन कराने के लिए कितना टाइम लगता है, इसका जायज़ा लेना शुरू किया। तो हमने पाया कि तकरीबन 24 रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज के दफ्तर हैं हमारे देश भर में, और इन 24 रजिस्ट्रार्स के ऑफिसर्स में नेम रिजर्वेशन यानी नाम को रिजर्व कराने के लिए आपकी कंपनी का और फिर कंपनी का गठन कराने के लिए 15-20 दिन एवरेज यानी औसतन टाइम लगता था। हमने ये भी देखा कि ये जो 24 कार्यालय थे इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कई जगह पे ज़्यादा टाइम लगता था, कई जगह पे कम टाइम लगता था, और लोगों की सोच के मुताबिक एप्लीकेशन प्रोसेस होते थे। हमने ये भी देखा कि कई केसेस में एक आम आदमी को 6 महीने तक लग गए नाम का रिजर्वेशन कराने के लिए, इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए साल भर तक का टाइम भी लग जाता था कुछ केसेस में। तो हमने फिर तय किया कि इसकी तो री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी प्रोसेस की। तो पिछले 4 साल में कई कदम उठाए गए जिसके तहत एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया, उसके बाद कई सारे इनकॉर्पोरेटेड इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन फॉर्म बनाए गए। तो आज हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि नेम रिजर्वेशन और कंपनी का गठन औसतन 3-4 घंटे के अंदर आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन दुरुस्त है तो आपको अप्रूवल मिलेगी, और अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो आपको जवाब जरूर मिलेगा कि उन खामियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। जी मनोज पांडे जी, यही बात थोड़ा सा और विस्तार से हम समझना चाहेंगे। जो मूर्ति साहब कह रहे हैं कि पहले 1-1 साल का वक्त भी लग जाता था नाम रजिस्टर कराने में या कंपनी शुरू करने में, अब ये जो सुविधा जो है, जितनी जल्दी जो ये काम हो रहा है या अब होने लगा है, क्या ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों में दिल्ली और मुंबई में ही हो रहा है या पूरे भारत में ये व्यवस्था है? नहीं, जैसा मूर्ति साहब ने कहा अभी, ये सेंट्रलाइज्ड है, पूरे भारतवर्ष के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर है ये जहाँ ये प्रोसेसिंग हो रही है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कंपनी का नाम अभी रजिस्टर होने वाली बात थी, कोई एक व्यक्ति कोई एक कंपनी का नाम या 2-3 नाम वो प्रपोज करते थे कि हम इनमें से कोई एक नाम चाहते हैं, आप अप्रूव करिए। तो मूर्ति साहब जो कह रहे थे कि इसमें 6-6 महीने और इतना वक्त लगता था, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं था 24 जगह और वहाँ वेरीफाई होगा, मान लीजिए यहाँ नहीं तो किसी और जगह वही नाम रजिस्टर्ड है तो नहीं मिलेगा। जी तो अब अभी जैसे उसमें कुछ रूल्स को स्टैंडर्ड हमने किया कि ये रूल्स कुछ होने चाहिए जिनको फॉलो करना है। सो वो नेम रूल्स और इनकॉर्पोरेशन रूल्स कंपनीज की हैं। फिर जो सेंट्रलाइज सेंटर है उसमें वो बिल्कुल ही पेपरलेस है, वहाँ पेपर नहीं है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। कहीं बैठे आप देश के किसी कोने से जी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं और नाम ले सकते हैं, नाम रिजर्व करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे अपने दफ्तर में बैठे
अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर्स हों तो आप कंप्यूटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और आपको नेम रिज़र्व आपकी कंपनी का हो जाएगा और कंपनीज भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। चूँकि कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून हैं, उनको आपको फॉलो करना है। अगर सब कुछ दुरुस्त है सो तकरीबन आज के दिन में जो हमारा सेंट्रलाइज सेंटर है वो एक तरीके से प्रतिदिन जी करीब करीब 98% एप्लीकेशन प्रोसेस कर देता है। अगर मान लीजिए वो एप्लीकेशन जैसा मूर्ति साहब ने कहा कि वर्किंग आवर्स में अगर 9 से 10 बजे के बीच में आ गए जी सो आधे दिन में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई। और तकरीबन 500-600 कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं इन्हीं एक दिन के अंदर। सो अपने आप में एक मिसाल है ये, बिकॉज आप अगर देखें तो हमारा देश बड़ा है और प्रति माह करीब करीब 10,000 कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हैं प्रतिदिन प्रति माह जी। और एक साल में आप समझे कि औसतन 1.25 लाख कंपनी हो गई, अगर ऐसे करें औसतन, तो उनका निपटारा उन एक सेंट्रलाइज सेंटर से हो रहा है जहां ऑफिसर्स हैं और हमारे साथ में सपोर्टिंग स्टाफ हैं। जिस तेज़ी से ये काम हो रहा है ये एक मिसाल है अपने आप में, क्योंकि 3-4 घंटे में आपको नेम रिज़र्व हो जाता है, आपका कॉपी कंपनी का, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बैठे आपको कहीं जाना नहीं है, आप दफ्तर में बैठे, आपने सुबह अप्लाई कर दिया, सुबह जैसे आप बता रहे हैं सुबह अप्लाई कर दिया और 3-4 घंटे में ये अप्रूवल हो गया नाम। अगर आपके सारे पेपर्स ठीक हैं, अगर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन एज पर रूल्स कर दिया जी, तो आपको 3-4 घंटे में आपकी कंपनी बन गई। 500-600 कंपनीज आपकी प्रतिदिन बन रही हैं रोजाना आपको बिना कहीं गए। 10,000 आपने बताया एक महीने में। जी हाँ, और बिना कहीं गए हुए। अच्छा। आपको फिजिकल मूवमेंट कहीं नहीं करना है, फिजिकल रिकॉर्ड्स नहीं फाइल, सब कुछ ऑनलाइन है, ये सब ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म प्रोसेस होकर भी आ रही हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है जी। उसी के साथ और पैन टैन दो सुविधा को जेनरेट हो रही हैं। सो आपको पैन नंबर मिल जाता है, उस पर टैन नंबर मिल जाता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। ये एक अपने आप में हमारे बहुत से दर्शकों को जो इस विषय को बहुत नहीं जानते, पैन तो सभी लोग समझते हैं, टैन क्या होता है? टैन जहाँ टैक्स डिडक्शन जहाँ होता है, बिकॉज डिडक्टर को टैन नंबर लेना पड़ता है। सो वो टैन टैक्स डिडक्शन के लिए है। लेकिन एक बहुत बड़ी सुविधा है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे बीच में जो समझौता है उसकी वजह से एक कंपनी अप्लाई करती है, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसे पैन नंबर मिल जाता है, कंपनी को अब कंपनी अपने काम को शुरू कर सकती है, शुरुआत हो सकता है। उसी के तहत जैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग होना शुरू हुआ सो और थॉट प्रोसेसेस बढ़ी, सरकार ने कहा इसे और कैसे सुविधा दी जा सकती है और सुविधाओं को कैसे प्रदान किया जा सकता है। जो अभी जो पांडे जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने दो बार ये बात कही, अगर आपके कागज़ पूरे हों, ठीक, तो अगर आपके कागज़ पूरे हों तो अक्सर मैं आपके अनुभव से समझना चाहता हूँ, जो लोग कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, सुबह जिन्होंने अप्लाई किया, अमूमन किस तरह के कागज़ हैं जिनमें कमी रह जाती है या लोग जो अक्सर गलतियाँ करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या रहता है उनका अनुभव, ज़रा आप इस साइड से बताएं ज़रा। पिछले 20 वर्षों में पूरे सिस्टम्स को अच्छे से समझा है। बात है। और एक समय होता था कि जब पहले नंबर अप्लाई करने के लिए आपको ROC के ऑफिस में जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, चालान जमा कराने के लिए वो 500 रुपये की फ़ीस होती थी, उसके लिए अलग लाइन लगती थी, उसके बाद मेमोरेंडम छपवाना है, मेमोरेंडम साथ में सबमिट करना है, कॉमन सील्स बनवानी है, तो प्रैक्टिकली आपको एक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 बार पहले आपको ROC के ऑफिस में जाना है और उसके बाद वो सुविधा जो ऐसे आपने कहा कि दूर दराज इलाके में, तो उन लोगों को सिर्फ 24 ऑफिस में ही आना है, तो वो अगर मान लीजिए एग्जांपल है कि वो ऐसे इलाके में है जहाँ पर वो ऑफिस है ही नहीं, तो उसको शायद 200-400 किलोमीटर दूर उसको ट्रैवल भी करना है। लेकिन अब जो है इस नए जो हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से देखा और हम इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि इसमें दोनों चीज़ों में चेंज आया, इसमें कानून में भी चेंज आया, जैसे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई कि आपको कॉमन सील नहीं चाहिए, आपको मेमोरेंडम का प्रिंटिंग नहीं चाहिए, और उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, तो आज जैसे सर ने बोला कि स्पाइस प्लस जो अभी हम बात करेंगे, लेकिन एक मिनट के लिए
हम कर सकते हैं जिस पे बात, लेकिन उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ पिछले 3-4 वर्षों में कि आपका ऑनलाइन चलान हो गया, आपका ई मेमोरेंडम हो गया, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आने से इवन जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं, अगर उनके पास इंटरनेट सुविधा ठीक से है तो वो वहीं बैठे बैठे अपने घर पे बैठे बैठे कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग की बात कर सकते हैं फॉर द कंपनी फॉर्मेशन। अब बात आती है कागज की, कौन से कागज चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने नाम लिखा, तो वो नाम जो होता है वो सपोज कीजिए कि नाम आपका किसी से कोइंसिडेंस एग्जांपल की बात है कि आप भारत नाम रखना चाहते हैं, तो आपको वो नाम अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि आप कौन सा नाम ले सकते हैं और कौन सा नाम नहीं ले सकते। सेम वे में सेम नाम आप किसी दूसरी कंपनी का ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो आप नहीं ले सकते। आपके डायरेक्टर्स के जो आपको आइडेंटिफिकेशन देने हैं वो प्रॉपर पूरे हैं या नहीं है। अगर एक व्यक्ति जब अप्लाई करता है और उसको इस बात का समझ है कि मुझे कौन कौन से कागज लगाने हैं, तो वो अपने आप में सुगमता की बात जब हम कर रहे हैं तो वो सुगमता से काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो मैं ये कहूँगा कि 90% केसेस के अंदर आज की तारीख में अचीव होता है, क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों की आज अच्छी समझ है। जी बिल्कुल। एक छोटी सी बात जो आपकी बात से निकल कर आ रही है पांडे जी, जो कागज़ों की जो बात हो रही है, तो ऑनलाइन में ये भी फायदा है कि आपने सुबह अप्लाई किया और कहीं कोई कमी है तो आपको उसी दिन पता चल जाएगी। जैसे कि पहले सिस्टम था कि आपने अप्लाई किया उसमें कोई कमी है तो फिर जैसे हफ्ते भर बाद गए, 10 दिन बाद गए आप आइएगा, तो आपको ये कागज़ पूरे नहीं ये पता होने में भी काफ़ी वक्त गुजर जाता था। कागजात मतलब उसे जैसे EMOA है, EAO है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर आपने इन सबों को ठीक से अटैच किया है, ठीक से भरा है, तो जैसा मैंने कहा कि करीब करीब 90-95% एप्लीकेशन तो सेम डे प्रोसेस हो रही हैं। आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा कि ये कमी है। अगर आप चाहें तो आप उसी दिन उसको फिर से वापस भर सकते हैं, और वापस जैसे ही आप भरेंगे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है आशीष जी, मैं आपसे यहाँ ये अभी ये जानना चाहूँगा जो बात चर्चा में आ रही है। देखिए देश बहुत बड़ा है और कहीं कहीं फिर वो बात भी आती है कि दूर दराज का इलाका है, कोई व्यक्ति वहाँ इंटरनेट की सुविधा है नहीं है, क्या इसमें ऐसा भी है कि जिस व्यक्ति को एक्सेस नहीं है कंप्यूटर की या इस तरह से, या अब किसी भी व्यक्ति को जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अब उसके लिए ज़रूरत है कि आप जैसे किसी विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि खुद तो उसे समझ में आएगा नहीं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी इनकॉर्पोरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर उसके बाद इतना ईजी ई फॉर्म है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब चूँकि यदि कोई व्यक्ति कंपनी बना रहा है तो उसका एक विजन है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कंपनी बनाना चाहता है, तो वो उस फॉर्म को खुद भी भर सकता है, सारे FAQs उस पर अवेलेबल हैं। अच्छा जहाँ तक बात है कंपनी सेक्रेटरीज की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो वो हमेशा से अवेलेबल है, हर शहर में अवेलेबल है। आप देखेंगे लगभग 60,000 कंपनी सेक्रेटरीज आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो हर कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की यदि हम पूरी एक संख्या को मिलाएं तो हम लोग मिनिस्ट्री के आर्म के रूप में ही काम करते हैं, और हम चूंकि मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं, हम स्टेचुटरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो हमें पूरा सहयोग मिनिस्ट्री से मिलता है। जब भी ये नया फॉर्म आता है उसका डिस्कशन होता है, उसके ऊपर क्या FAQs हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन सबको डिस्कस करते हैं। तो उन फॉर्म्स को इतना ईजी बनाया गया है कि बिना CA और CS की सुविधा लिए भी साधारण व्यक्ति अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, और उसे जब भी सुविधा चाहिए साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा उसमें कोई उसको असुविधा नहीं, उसमें कोई असुविधा नहीं आती, पर यदि वो अपनी सहायता ले लेते हैं तो शायद उनका काम ज्यादा इजी हो जाएगा। जो आज सर ने बोला कि 3-4 घंटे में कंपनी बन जाती है, तो यदि आपने सुविधा ली हुई है, पेपर आपने पूरे दुरुस्त लगाए हुए हैं, आपको पूरी प्रोसेस मालूम है, तो काम जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज हो सकता है एक आध बार उनके में कुछ प्रॉब्लम आए, रीसबमिशन में फॉर्म आए, कोई त्रुटियां निकल आए, जिन त्रुटियों को वो वापस सबमिट कर सकते हैं। ये वाकई सुनकर हैरानी होती है, इतनी तेज़ी से भी चीज़ें होती हैं। मोदी साहब अब आपसे हम यहाँ अब ये समझना चाहेंगे, आप और पांडे जी को मैं चर्चा में यहाँ लाना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो स्पाइस प्लस फॉर्म की जो बात है, तो ये क्या है स्पाइस प्लस? स्पाइस प्लस हमारी हमने पहल करी थी आज से तकरीबन 4.5 साल पहले, जब हमने एक इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन फॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम था INC 29, जिसमें तीन सर्विस मिलती थी कि आप नाम रिजर्व कर सकते थे, डिन नंबर ले सकते थे और इनकॉर्पोरेशन ले सकते थे। फिर 2016 में अक्टूबर 2, 2016 गांधी जयंती वाले दिन हम लोगों ने ये स्पाइस नाम के एक फॉर्म का लॉन्च किया, उसका नाम था स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली।
उसके तहत हम लोगों ने यह किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो लगाई जानी चाहिए थी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन के साथ, पहले पेपर के रूप में उनको स्कैन करके अपलोड किया जाता था, इसको हमने डिजिटल रूप में कन्वर्ट करा, जिसके तहत एक स्टैंडर्डाइज्ड मेमोरेंडम और एक स्टैंडर्डाइज्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उपलब्ध हैं किसी भी नागरिक के लिए अटैच करने के लिए। उसमें अगर वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो बदलाव करने की क्षमता उस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो ये इससे हमको ये सहूलियत मिलती है कि हम डिजिटल माध्यम से ये जान लेते हैं कि इसमें नागरिक ने क्या बदलाव किए हैं, और हमारी नज़र सीधा वो बदलाव के ऊपर जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोफॉर्मा है उसको तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्पीड लाना है, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी लानी है अपने प्रोसेसिंग में, हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है। तो जो उसने बदलाव किए हैं हम लोग उसको देख लेंगे और जल्दी से जल्द हम लोग काम कर सकते हैं। फिर इसको हम लोगों ने और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं स्पाइस प्लस में, जिसमें पीडीएफ फॉर्म आपको डाउनलोड करके इंटरनेट के माध्यम से भर के फिर से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक इंटरनेट के माध्यम से आप वेब बेस्ड फॉर्म अवेलेबल है आपके पास, सारे डिटेल आप सुगमता से, सरलता से आप वहीं भर सकते हैं नेट पे ही। फिर उसके बाद आपको उसमें सर्विसेज जो हैं, एडिशनल सर्विसेज भी मिल रही हैं। अभी एक और फॉर्म है जो एजाइल प्रो के नाम से है, और जो भी आप एंट्रीज करते हैं स्पाइस प्लस में, वो सारी जो एंट्रीज हैं वो मेमोरेंडम में आ जाती हैं, आर्टिकल्स में आ जाती हैं, जो भी अटैचमेंट्स आप लगाएंगे उसमें जो सारे डिटेल एक बार ही आपने कहीं स्पाइस प्लस में भरे हैं, वो सारे दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पॉपुलेट हो जाते हैं। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर उपयोग किया गया है स्पाइस प्लस फॉर्म में। तो इसकी खासियत है कि अब जो हम लोगों ने पहल करी थी 3 सर्विसेज से, आज 10 सर्विस, 3 मंत्रालय और 1 स्टेट गवर्नमेंट और कई अन्य बैंक, इन सब की तरफ से जो सर्विसेज हैं एक फॉर्म में एक बारी सबमिट करने से ये आपको उपलब्ध है। पानी जी, बदलाव वाली जो बात हो रही थी, तो बदलाव के बारे में कहा मूर्ति जी ने कि बदलाव पर हमारी नज़र जाती है, तो बदलाव, बदलाव से हम यहाँ क्या समझें, किस तरह के बदलाव होते हैं और ये बदलाव करने क्या क्या ज़रूरी और क्यों नज़र जाती है, ज़रा ये और थोड़ा स्पष्ट करें। सरकार स्टेक होल्डर्स की फीडबैक लेती है और सरकार देखती है कि इसको और कैसे, इसको सहूलियत और कैसे प्रदान की जाए। उन फीडबैक के बेसिस पे ये कहा जाए कि अगर अभी तो हमने सेंट्रलाइज्ड किया प्रोसेसिंग, फिर हमें लगा कि क्या सिंगल विंडो सिस्टम जैसे भी कोई चीज़ हो सकती है जहाँ कि एक फॉर्म के माध्यम से हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दें, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर तो दे ही रहे थे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेम रिजर्व करा दें, क्या हम दूसरी एजेंसीज में, फ़र्ज कीजिए कि किसी कंपनी को ESIC और EPFO नंबर लेना हो, हमने कहा कि आप हमारे फॉर्म जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारे फॉर्म के माध्यम से आप ले लीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा। अभी नए बदलाव में हमने बैंक अकाउंट की भी सहूलियत दे दी कि आप बैंक अकाउंट ले लें इस फॉर्म के माध्यम से। तो एक कंपनी जब शुरुआत करती है, कंपनी का गठन होता है, तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, कंपनी को एक बैंक अकाउंट चाहिए, कंपनी को ESIC और EPFO नंबर चाहिए, कंपनी को पैन टैन चाहिए। और हमने एक चीज़ कहा कि अगर आपको GSTN नंबर चाहिए तो वो भी सुविधाएं ऑप्शनल तौर पे हम दे सकते हैं, बाकी नंबर्स जो हैं वो हमारे मैंडेटरीली, हमने कहा कि आप नई कंपनी के लिए EPFO नंबर, ESIC नंबर और बैंक अकाउंट तो आप हमें, हमसे ही लेना है, इसी फॉर्म के माध्यम से लेना है, जिससे कि आपकी असुविधाएँ ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद महाराष्ट्र में जो कंपनीज हैं जी, वहाँ प्रोफेशन टैक्स एक PTEC नंबर और PTRC नंबर लेना होता है, हमने कहा वो भी इसी फॉर्म के माध्यम से लें। सो ये बहुत बड़ी पहल है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और बैंक्स, इन सब लोगों ने एक मिला जुला प्रयास है। ये EPFO ESIC नंबर कंपनी के लिए अनिवार्य है नंबर लेना, वो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, लेकिन
अगर वो एक थ्रेशोल्ड है, अगर उस थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस नहीं करें, सपोज़ उनके इस उनके कानून में अगर एक है कि आपके पास इतने एम्प्लॉयज़ का नंबर होना चाहिए तभी आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत है हमारे यहाँ जी, वो हमने कहा कि जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करें तभी आप भरें, लेकिन आप नंबर ले लें, फिर आपको किसी और दफ्तर में जाकर नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आपको इतनी दस, जैसा मूर्ति साहब ने कहा, बाकी सुविधाएं भी मिल गई। ये और ये वेब फॉर्म है, सो वेब फॉर्म की एक सबसे बड़ी सुविधा होती है जी कि पहले आप फॉर्म को डाउनलोड किया करते थे, अगर आपने पूरा काम नहीं किया सो आपका काम अधूरा रह गया। अब वेब फॉर्म में आप एंट्री करें, सेव होता रहेगा, आप उसको वापस जाकर जहां आपने सेव किया फिर आप काम शुरू कर सकते हैं उसके माध्यम से। और बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी, जैसा मूर्ति साहब ने कहा, जैसे एक डिक्लेरेशन का फॉर्म हमारा होता है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो काफ़ी सरल बनाने की कोशिश की गई है, मतलब जो जानकारी स्पाइस प्लस में आपने दी वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो फॉर्म्स हैं, लिंक्ड फॉर्म्स हैं, लिंक्ड हैं वो सारे के सारे, वही डिटेल्स फिल हो जाएंगे, अपने आप फिल हो जाएंगे। अच्छा, आपने एजाइल प्रो की जो बात कही थी, तो एजाइल प्रो किस तरह, उसमें और क्या जानकारी देनी पड़ती है? एजाइल प्रो एक बुके ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए बनाया गया है, जिसके तहत आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, अच्छा, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोविडेंट फंड के रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोफेशन टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि जब आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो ये सारे जो रजिस्ट्रेशंस जो कि जिनकी आवश्यकता होती है एक आम कंपनी के लिए, ये आपको पहले दिन से उपलब्ध हों, पहले दिन से आपके लिए प्राप्त हों और एक ही बारी आपको फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत पड़े जी। एक चीज़ जो जो मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहूँगा आशीष जी आप इस बात का जवाब दें, अब स्पाइस प्लस भी है, एजाइल प्रो भी है, लेकिन क्या कंपनी का दायरा या कंपनी का स्तर, किसी कोई छोटी कंपनी खोलना चाहता है, किसी की बड़ी कंपनी है, क्या सभी को इस तरह से इसी इनकॉर्पोरेशन के तरीके से गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए पहले क्या होता था, जब भी हम कंपनी बनाते थे तो आपने कंपनी बनाई उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लिया। अब वो इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद आप पैन के लिए अप्लाई करते थे, पैन आता था, बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते थे आप, उसके बाद अलग अलग जो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन सर ने बताए इसी एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रोविडेंट फंड्स के लिए, वो सब अप्लाई करने पड़ते थे। अब क्या होगा कि एक ही फॉर्म के जरिए आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ में इतनी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज पा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कंपनी के दायरे की कि कोई कंपनी छोटी है या बड़ी है, ये कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जो लगभग इनमें से सारी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है। जिन कंपनीज पे वो रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है वो सिर्फ नंबर लेके रख लिया, अभी जिस दिन वो बड़े दायरे में आएगी वहाँ पर उन नंबर का उपयोग करके वो अपने रिटर्न फाइल कर पाएगी। स्पाइस प्लस एजाइल प्रो के थ्रू आपके पास एक साथ 10 सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो पहले दिन से आप छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी के दायरे में पहले दिन से जो सर्विसेज आप उपयोग करना चाहें पहले दिन से आपके पास सारी उपलब्ध है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आपको तो फिर उसकी रिटर्न लगातार भरनी पड़ेगी, नहीं भले आप उसके दायरे में हैं या नहीं। वही जो सर ने बताया, हमने जीएसटीएन नंबर आपने ले लिया पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये टाइप किया हुआ है कि ये नंबर लेना हमने ऑप्शनल किया हुआ है, पर इसके रिटर्न हमें तभी फाइल करना पड़ेंगे जब हम उस थ्रेशोल्ड लिमिट में आएंगे। सपोज आज मैंने प्रोविडेंट फंड का, जो पांडे साहब ने बोला, आज मैंने प्रोविडेंट फंड का नंबर ले लिया पर मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो वो नंबर आपका रहेगा क्योंकि हमने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में टाइप किया हुआ है। आशीष जी ने जैसा कहा वो एक हद तक ठीक है। जहाँ तक जीएसटीएन का सवाल है, जब ये बातचीत हो रही थी तो आशीष जी बेसिकली ईपीएफओ ईएसआईसी नंबर का ही रेफरेंस दे रहे थे। जहाँ तक जीएसटीएन का सवाल है वो ऑप्शनल है। सो ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से ले सकते हैं, हमसे लेना अनिवार्य नहीं है। ईएसआईसी ईपीएफओ और बैंक अकाउंट नंबर हमसे लेना अनिवार्य है अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, आपसे लेना अनिवार्य है, लेकिन थ्रेशोल्ड पे जब पहुंचे तब आप रिटर्न भरें। तब और जीएसटीएन ऑप्शनल इसलिए है, आप हमसे लें या आप वहां से लें। मान लीजिए मैंने एक कंपनी अपनी शुरू की और मैंने जीएसटीएन ले लिया और ये सोचकर ले लिया कि मेरा कारोबार इतना होगा, लेकिन नहीं हुआ उतना,
तो क्या मैं उसे अपने पास रखूं या सरेंडर कर, क्योंकि मुझे तो रिटर्न फिर फाइल करना पड़ेगा, इस पर क्या राय देंगे आप? आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं जी। अगर आपको लगता है फ्यूचरिस्टिक ऐसा होने वाला है कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने वाले हैं मे बी 6 महीने में, तो उसे रखिए, तो उसे रखिए। अदरवाइज आप नील की रिटर्न भरते हुए बाद में फाइनली उसको किसी भी वक्त आप अपना जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा, चर्चा में अब मैं एक बात ये लाना चाहता हूँ, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो 63वीं पायदान पर भारत है इस समय, जो कि क्योंकि हम हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात जो ऑडिट को लेकर जो बात आती है और कंपनियों में जो जो कई बार जो हम सब पढ़ते हैं देखते हैं और हंगामे जो होते हैं उन पर ज़रा हम बात करें, ऑडिट को लेकर क्या क्या है स्थिति, आपसे शुरू करें आशीष जी। देखिए, ऑडिट के विषय में अतुल जी फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नॉन फाइनेंशियल ऑडिट की यदि बात करूं तो 2014 के बाद से सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी हुआ है सारी कंपनीज को, एक थ्रेशोल्ड लिमिट। इसका क्या अर्थ समझे हम? सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी में जितने लॉ लगते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के, जिसमें मुख्यतः कंपनी कानून है, तो कंपनी अधिनियम से रिलेटेड जितने भी कानून उनके ऊपर लगते हैं उसकी कंप्लायंस का ऑडिट एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी ने जो दूसरे रूल हैं कानून हैं वो सब तरीके से फॉलो किए हैं कि नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट देता है। तो ये एक नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है जो पहली बार 2014 के बाद आया है। इससे क्या लाभ होगा जरा ये बताइए? इससे जो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कंप्लायंस सिस्टम जो है देश का वो सुधरेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो आप फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर देते थे तो हम फाइनेंशियल चीजें तो देख लेते थे पर कंपनी में ये चीज नहीं देखते थे, नॉन फाइनेंशियल हम नहीं देखते थे। तो उसकी एक प्री चेकिंग पहले से एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपने सर्टिफिकेट के माध्यम से करके दे देता है कि हाँ इन कंपनीज ने ये सारे कानून का प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, तो वो काम बहुत इजी हो जाता है मंत्रालय का भी, क्योंकि जब उन्हें एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटरियल ऑडिट सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उन्हें भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कानूनों का पालन नहीं किया है उसके बारे में भी मुझे जिक्र करना है कि ये कंपनी ने पर्टिकुलर इस रूल का वायलेशन किया है, तो ये भी एक प्राइम एफ एसी जानकारी मिल जाती है। किसकी ये जिम्मेदारी? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है जो वो ऑडिट कर रहा है, उसको ये जानकारी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में लिख के देना है कि कंपनी ने इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं किया। वो लिख के देते हैं? बिल्कुल लिख के देते, लिख के देते हैं। हाँ जी। मूर्ति साहब, मैं अतुल जी का रिएक्शन लूँ उससे पहले आपसे और पांडे जी से, दोनों से अब मैं ये बात यहाँ ये जानना चाहता हूँ, ऑडिट को लेकर जो चिंताएं रही हैं और जाहिर सी बात है फिर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अड़चने बनती हैं, आड़े आती हैं उसके, मंत्रालय का और आप लोगों का क्या नजरिया है और इस दिशा में क्या आपने पहल की है या क्या सोच है आपकी? मंत्रालय की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो व्यू है वो ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं इनको कहूँगा कि पिलर हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के कंपनीज एक्ट के तहत, जिसमें जिस बात की पुष्टि ऑडिटर करता है शायद ही कोई ऐसा कोई और इंसान होगा जो इस तरह की पुष्टि एक कंपनी के बारे में कर पाता है और करता है। तो हमारे लिए कानून के तहत भी एक दर्जा प्रदान किया गया है ऑडिटर के लिए, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दर्जा है। कंपनी कानून में कई सारे प्रावधान हैं जिसमें ऑडिटर को कई सारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर दी गई है कि वो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी से मांग सकता है, ले सकता है और उसके ऊपर अपने अपनी टिप्पणी और अपनी ओपिनियन उसको दे सकता है। हाल ही में हम लोगों ने एक नया कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर निकाला है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, जिसके तहत जो सारी बड़ी कंपनियाँ हैं, कम से कम 2-2.5 लाख जो भारत में जो सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं उन पे लागू है ये ऑर्डर, जिसके ऑडिटर के ऊपर इस पे ज़्यादा जिम्मेदारी तो आएगी ही आएगी, लेकिन इसका ये मतलब भी होगा कि उसके हाथ काफ़ी मजबूत होंगे, जिसके तहत वो कंपनी से और कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकता है और कंपनीज को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सरकार का ये मानना है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण कड़ी है और जिसको हमें सक्षम बनाना है, महत्वपूर्ण बनाना है और इसके हमें और सपोर्ट देनी है और आगे बढ़ाना है। पांडे जी, यही सवाल मैं दूसरी तरह से पूछना चाहूँगा, अब तक किस तरह की दिक्कतें
मंत्रालय ने देखी और फिर उसके बाद जो इस तरह के कदम उठाए गए, क्या सबसे ज़्यादा आपने देखा? मैं एक आपको पहले पृष्ठभूमि दे दूं ज़रूर कि इनका रोल कैसे है, डिफाइंड कैसे है हमारे यहाँ। तो एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कानून है वो हमारा 1949 का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट्स का 1959 का एक एक्ट है और कंपनी सेक्रेटरीज का एक एक्ट है 1980 का। सो ये तीन जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ये तीन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गवर्न होते हैं। अच्छा। सो इनका रोल भी स्टैट्यूटरी रोल है। ये यहाँ से इनका गठन जब हुआ तो इनका फिर जो कहते हैं कि इनका जो इनकी भूमिका चली आती है कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, तब कंपनीज लॉ को ये कैसे गवर्न करें, कैसे कॉस्ट ऑडिट होनी चाहिए, कैसे फाइनेंशियल ऑडिट होनी चाहिए और कैसे सेक्रेटरियल ऑडिट होनी चाहिए। अगर ये तीनों भूमिकाएं, अगर ये भूमिका अच्छी तरीके से निभाई जाए तो कॉरपोरेट गवर्नेंस उत्कृष्ट होगा। तो ये ज़रूरी था कि इनके रोल को और स्ट्रेंथन किया जाए, जैसा मूर्ति साहब ने कहा। तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने उस पर काफ़ी स्टेप्स लिए कि सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे स्ट्रेंथन करें। अभी एक पेपर भी निकाला गया है, कंसल्टेशन पेपर, जिसकी वजह से कहा गया है कि क्या ऑडिटर्स के रोल और क्या होने चाहिए, वो कंसल्टेशन हो रहा है। और ये कहा गया कि नहीं, ऑडिटर्स तो ऑडिट करते हैं, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाई गई, कहा गया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्ट के तहत। पर्टिकुलरली जो कंपनी एक्ट 2013 जब आया, उसके पहले आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं उनमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ पाई गई। अब उसको काफ़ी उस एक्ट के बाद ऐसे प्रावधान ला दिए गए कि सेक्रेटरियल ऑडिट करना है, फाइनेंशियल ऑडिट और स्ट्रिंजेंट हो गए, आपको कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल डिफाइन किया गया। तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस को अच्छा बनाने के लिए ये तीनों का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तीनों इंस्टीट्यूट्स के रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे को अभी मूर्ति साहब ने और पांडे साहब ने बताया कि हम सब लोग समय के साथ सीखते हैं, समय के साथ जो है वो नई नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, नए नए तरह के फ्रॉड सामने आते हैं, नई नई तरह की चैलेंजेस सामने आते हैं, जिससे कि समय के साथ जो है वो अपने रोल को जो है वो रीडिफाइन किया जाता है। और जिस तरीके से पिछले 10-20 सालों के अंदर बहुत तरह के फ्रॉड्स हुए या बहुत तरह की इरेगुलरिटीज़ पाई गई और उसकी वजह से कानून के अंदर भी बहुत सारे चेंज किए गए, जिम्मेवारियों को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया, ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनेंशियल ऑडिट करते हुए ज़्यादा पावर्स देने की बात की गई और उनका दायित्व भी बढ़ाया गया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा इसमें कि आप लोग जब हम लोग देखते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात आती है तो उसमें दो बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझने की बात है कि एक होता है फ्रॉड और एक होता है इरेगुलरिटी। तो जब हम फ्रॉड की बात करते हैं और अगर एक मैनेजमेंट ही अपने आप में कोई ऐसा काम करे जो एक मिनट के लिए किताबों के अंदर ही ना आ पाए तो उसके लिए तो आपको एक मिनट के लिए इन्वेस्टिगेशन का जो रोल होता है तो वो रोल तो जो है वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो चीज़ किताबों के अंदर ही नहीं आ पाई। थोड़ा उदाहरण देके समझाएंगे तो दर्शकों को भी ज़रा ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको बताया जैसे एग्जांपल की बात है कि कोई आपने ट्रांजेक्शन करी वो किताबों के बाहर ही आपने ट्रांजेक्शन कर ली और वो पैसा आप उस तरीके से बाहर की बार आप जो है वो दूसरी तरफ ले गए तो वो क्योंकि किताबों में नहीं आया तो कंपनी के अकाउंट्स में नहीं आया। हाँ, कंपनी के अकाउंट्स में नहीं आया तो वो ऑडिटर जो है, चाहे वो सेक्रेटरियल ऑडिटर है या कॉस्ट ऑडिटर है या फाइनेंशियल ऑडिटर है, वो कुछ भी कर नहीं कर सकता। ठीक बात। तो उसके लिए अलग से, क्योंकि हम लोगों ने अब जैसे फॉरेंसिक ऑडिट्स की बात हो रही है या उस तरह की बातें होती हैं तो वो सब प्रावधान भी धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जहां पर हम लोग जो है वो अपने इररेगुलरिटीज़ की बात करें तो दो तीन चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सर ने बताया कि कानूनों के अंदर चेंज, जैसे अभी नया कारों का हमारा एक नया प्रोविज़न आया, उसी तरीके से कंसल्टेशन पेपर की बात है। उससे पहले भी क्योंकि हम लोग क्योंकि CA इंस्टीट्यूट, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, वो एक रेगुलेटर का रोल करता है तो हमें भी ज़्यादा सरकार ने जो है वो पावर्स दी हैं कि आप जो है वो ज़्यादा सख्ती से, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई रेगुलरिटीज़ करता है तो आप ज़्यादा सख्ती से उनके साथ जो है कड़ाई से उनके साथ जो है वो आप मैं कहूँगा कि उनको ट्रीट कीजिए, उनके साथ जो है वो बिहेव करिए ताकि जो है वो कहीं ना कहीं पर एक डेटरेंट के रूप में हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में अपने रोल को जो है वो और ज़्यादा मजबूती से जो है वो उस चीज़ को देखे जी। तो एक तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो थी स्किल्स की।
तो हम लोगों ने इवन पीछे जो है वो समय के अंदर अपना 2017 में एक नया सिलेबस जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया, वो एक नया सिलेबस भी हम लोगों ने लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल बेंचमार्किंग्स को अचीव करते हुए ये कोशिश करी कि हमारे मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नई स्किल्स जो है फॉरेंसिक की स्किल्स हैं या दूसरी स्किल्स हैं वो अपनी दी जाए, ताकि जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है वो मजबूत तरीके से अपने जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस में कई और भी चीज़ें रहती हैं जिसके ऊपर मैं देख पाता हूं कि कई और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, तो खाली ऑडिटर का रोल नहीं, जैसे ऑडिट कमेटी का रोल है, जो कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होती है उसका रोल क्या रहे कैसे रहे, तो उनके ऊपर भी लगातार जो है वो हम और सरकार मिलकर चर्चा करते रहते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं पर नए चेंजेस या नए इम्प्रूवमेंट्स लाने का प्रयास जारी रहता है। जी, ये मैं इस बात को थोड़ा सा और दूसरी तरह से भी समझना चाहता हूँ, और वो ये कि आपने बहुत डिफाइन किया फ्रॉड्स एक तरफ और इरेगुलरिटीज दूसरी तरफ। अमूमन ऑडिटर से किस तरह की गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या क्या आपको लगता है कहाँ चूक होती है जो बार बार एक तरह की कुछ जो बड़ी चूक होती थी या होती है या जिसके लिए हम लोग धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बोला कि स्किल सेट चेंज हो रहे हैं या रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वो होता है कि जैसे सपोज कीजिए एक सैम्पलिंग, क्योंकि ऑडिटर जो है वो जब अगर मान लिया किसी कंपनी के अंदर 2 लाख 5 लाख ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो हर ट्रांजेक्शन्स को विद इन 15 दिन 1 महीना लगा के उसको चेक नहीं कर सकता, तो वो सैम्पलिंग करता है, और सैम्पलिंग करने के अंदर अगर वो सैम्पल करते वक्त उससे गलती हो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो है वो आपका एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है कि वो छूट जाए जिसको उसे जो है वो ऑडिट करना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे मान लीजिए हम लोगों ने आगे चल के मेंबर्स को फॉरेंसिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि सैम्पलिंग के ऊपर जो है वो जितना कम से कम आप वो करें, मतलब सैंपल से हट जाएं और अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करें, वो अपने आप में एक बड़ा जो है वो विषय था जहाँ पर मेंबर जो है वो जनरली मैं कहूँगा कि चाहते हुए भी जो है वो उन चीज़ों को पूरा चेक नहीं कर पाते थे जितना चेक उनको एक मिनट के लिए शायद अपने आप में जो है वो, क्योंकि आज एक कहावत होती है कि देर इज़ एवरीथिंग फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड, तो अगर एक मिनट के लिए जब हम इकोनॉमिक सिस्टम में बात करते हैं, कमर्शियल सिस्टम में बात करते हैं, तो आपको जो है और ज़्यादा सजग रहना पड़ता है, स्केप्टिज़म जिसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो स्केप्टिज़म जो है वो और ज़्यादा मजबूती से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें थी जहाँ पर हमें लगता था। जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे एग्जांपल की बात है कि हमारे पास इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं, स्टैंडर्ड्स जिसे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, तो क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, बड़े तरीके से उनको रिपोर्ट करना होता है, तो हम लोगों का ये होता था कि कई बार ऐसा होता था कि किसी स्टैंडर्ड का कहीं पर फॉलो नहीं किया गया है, तो जब ऑडिट हुआ तो उसमें उन्होंने उस बात को रिपोर्ट नहीं किया कि आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, तो उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो सकती है या जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको ईजी किया जा सकता है उनके ऊपर भी लगातार जो है वो इंस्टीट्यूट काम करता रहता है। पांडे जी, मैं चाहता हूँ आप और मूर्ति जी इस सवाल का जवाब दें कि ऑडिटर्स के रोल में अगर कहीं कोई चूक हो जाती तो क्या सिस्टम में ऐसा कुछ है कि कोई स्टेप फॉलो नहीं हो पाया, अनदेखा रह गया, तो इसको प्लग करने के लिए क्या क्या हमारे पास तरीका होगा? अब जैसे भारत ने ये ठाना है कि एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है हमको अगले कुछ सालों में, इसका मूल उधार जो है वो मूल उधार वो नीति और नैतिकता से काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। उसमें ऑडिट को सक्षम करने के लिए जो जैसे हमारे कोलीग गुप्ता साहब ने बताया कि जो स्टैंडर्ड होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इनके हिसाब से चलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मूल रूप से जो ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके ही लेवल के हैं, उसमें कोई खामी नहीं है। इसकी ज़रूरत है कि कंपनी जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें ऑडिटर को, और ऑडिटर जो है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर अपना ऑडिट कंडक्ट करेगा तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई गुंजाइश रह जाएगी कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रह जाएगी या ऐसी कोई गुंजाइश रह जाएगी कि ऑडिटर जो है जिन पहलुओं पे उसको खास नज़र या तवज्जो डालने की ज़रूरत है वो नहीं डाल पाएगा। अब बात आती है इन्वेस्टर एजुकेशन की और उनके प्रोटेक्शन फंड की, तो उस अथॉरिटी के आप CEO हैं, ये क्या विचार है इसका पूरा ज़रा हमें समझाएं और ये किस तरह से काम कर रहा है? जी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हुआ है। तो एक सेक्शन है 125 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके तहत
इस अथॉरिटी का गठन हुआ, उसके पहले 2013 के पहले इन्वेस्टर एजुकेशन फंड हुआ करता था। कंपनी कानून के तहत अगर 7 साल तक आपने डिविडेंड्स नहीं क्लेम किए जी, सो वो डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला आता था। उसके साथ 2013 में फिर कहा गया कि अगर हमारे पास डिविडेंड हैं सो हम स्टेक होल्डर्स जो हमारे हैं जिनके वो थे जो राइटफुल क्लेमेंट्स जिसको कहा जाए उनको हम लौटा सकते हैं। सो 2013 के तहत एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाया गया सेक्शन 125 के तहत और कहा गया कि हम जो क्लेमेंट्स हैं जिनके डिविडेंड हमारे पास आ गए, अब डिविडेंड कैसे आते हैं, जैसे आपके एड्रेस चेंज हो गए, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया, आप एक शहर से दूसरे शहर चले गए, आपके पास डिविडेंड आए और रिटर्न बैक हो गए कंपनीज के पास, कंपनी ने अपने अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में रख लिया जी। उसके बाद 7 साल हो गए उन्होंने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया, माता पिता के नाम में थे वो नहीं रहे, वो भी उनके शेयर उनके नाम पे थे वो नहीं रहे, वो चले आए। 2013 के पहले वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आते थे और उसका इस्तेमाल होता था केवल इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए। 2013 के बाद कहा गया कि अब हम अगर कोई क्लेम करता है, पहले तो क्लेम करने का प्रावधान किया गया और क्लेम होने के बाद हम उसे लौटाएंगे। उसके बाद डिविडेंड्स के साथ जो अंडरलाइंग शेयर्स है जी, वो शेयर्स भी 7 साल के बाद अगर आपने 7 साल लगातार डिविडेंड नहीं क्लेम किए, सो जो अंडरलाइंग शेयर्स हैं वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास चले आते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित हैं। अच्छा, और काफ़ी बड़ी तादाद में हैं उन शेयर्स और डिविडेंड। तो 2016 में 2013 कानून के तहत लाया गया और 2016 सितंबर के में इस अथॉरिटी का गठन हुआ। अब वो कोई भी क्लेमेंट एक ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर सकता है जिसको IEPFA 5 कहते हैं, जिसके तहत वो शेयर और डिविडेंड क्लेम कर सकता है अथॉरिटी से। अच्छा, अथॉरिटी उसकी उस क्लेम्स को देखकर वेरीफाई करेगी और कंपनी उसको वेरीफाई करके कंपनी से कहेगी कि आप देख लें कि यही आपके रिकॉर्ड में कभी थे ये क्लेमेंट, कंपनी कहेगी हाँ ये हमारे थे, हमारे रिकॉर्ड में अच्छा रजिस्टर पे थे, इनके शेयर्स हैं, इनके डिविडेंड हैं, जब उन्होंने वेरीफाई कर दिया, भले वो 15-20 साल पुराने हों जी हाँ, कभी के भी हों जी हाँ, और अच्छा जी हाँ कितने भी पुराने हों, 7 साल के बाद तो आती ही है IEPFA अथॉरिटी में, तो अच्छा 7 साल के पहले तो होंगे ही, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने कहा और कंपनी ने कह दिया हाँ ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये भी ऑनलाइन है, तो हम उनके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं और शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनको डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आजकल तो सारे डीमैट अकाउंट्स हैं, सो आपके वो डीमैट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है सरकार की, जिसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से थोड़ा हटके हम ईज़ ऑफ लिविंग के लिए भी कह सकते हैं कि अब आपके खोए पैसे हैं, खोए शेयर्स हैं, जिसको आप खोया शेयर्स और खोया वो आपको वापस मिल रहे हैं, डूबा हुआ धन वापस वापस आ रहा है। सो ये बहुत बड़ी सुविधा सरकार ने दी है। बात और बताइए पांडे जी, छोटे इन्वेस्टर्स की जब बात आती है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, भारत इतना बड़ा देश है, ये क्या हमारा फोकस ज़्यादा शहरों पर या गाँव में भी जो छोटा इन्वेस्टर है उसको लेकर भी उसके प्रोटेक्शन की भी बात है? मैं बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो का काम केवल क्लेम सेटलमेंट ही नहीं है, एक बहुत बड़ा जो रोल है, दायित्व है, वो इन्वेस्टर को अवेयर करना और एजुकेट करना, प्रोटेक्ट करना भी। प्रोटेक्ट करना किस से? फ्रॉडुलेंट स्कीम से, पोंजी स्कीम से जो छोटी छोटी जगहों पे चलती हैं, फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स हैं, वो चले जाते वो पैसे लेकर और सडनली वो विलुप्त हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं जी। उसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने CAC गवर्नेंस है, उसका आपने नाम सुना होगा, CAC गवर्नेंस के साथ MOU किया, नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ MOU किया और बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ हमारे MOU हुए। हमारा MOU जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ हुआ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ हुआ। ये सारे जो है ग्रामीण अंचलों में भी काम कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो गांव-गांव तक है, हमारे मैसेज को वो
फैला रहे हैं, ले जा रहे हैं लोगों तक। और सीएसी गवर्नेंस का तो रोल ही, हर छोटे छोटे कस्बों में भी सीएसी गवर्नेंस है, वहाँ के वॉलंटियर्स जाते हैं, उनको इन्वेस्टर को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं। और हमारा एक पोर्टल है आईपीएफ पोर्टल, जिसमें कि सक्सेस स्टोरीज हैं लोगों की, लोग बता रहे हैं कि इस एजुकेशन के माध्यम से हमने बैंक अकाउंट खुलवा दिया, हमें पता लगा कि अच्छा पैसे कैश में रखने से अच्छा तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, ये हमने किया। सो कई हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से दूर दराज छोटे मोटे शहर गांव अंचल सब में एक मुहिम शुरू की। उसके बाद हमने स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस शुरू किया। सो पहला स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हमने भुवनेश्वर में किया, वहाँ हमने पंचायत से लोगों को बुलाया, पंचायत की महिलाएं, पंचायत के लोग, नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवक जो वॉलंटियर्स हैं वो जी, ये सभी लोग आए पूरे उड़ीसा से और बड़ी तादाद में लोग आए। तो वहाँ हमने उन लोगों को ट्रेन किया कि कैसे करना है, कैसे सुरक्षित निवेश कैसे करना है, और आप पोंजी स्कीम से बचें, फ्रॉडलेंट स्कीम से बचें, क्योंकि आपके अपने धन का सवाल है। अब हम हर स्टेट में एक कॉन्फ्रेंस जन जागरण अभियान के माध्यम से हम हर स्टेट जाएंगे। चलते चलते मैं ये चाहूँगा के वी आर मूर्ति साहब, आपसे शुरू करके और आप सबकी टिप्पणी चाहूँगा कि अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस नए माहौल में और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई पायदाने जो भारत चढ़ता जा रहा है, हम आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन क्या बदलाव देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ निरंतर अग्रसर करेगा, और जो नैतिकता और नीति से काम करने की जो मूल भावना है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये एक और ज़ोर पकड़ेगा और बड़ी शक्ति से ज़ोर पकड़ेगा ये, और इसमें अहम भूमिका होंगी जो भारत के में जो कंपनीज़ हैं और जो हमारे प्रोफेशनल साथी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से, कंपनी सेक्टर इंस्टीट्यूट से, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से और लीगल प्रोफेशनल के जो लोग हैं, इनमें एक मूल भावना और कड़े और कई शक्तिशाली भावना जागेगी कि हम लोगों को निरंतर अग्रसर इस मुकाम पे पहुंचना है। आशीष गर्ग जी, हम 143 से 63 पे पर आए हैं, 50 के अंदर तो हम आ ही जाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे टॉप 10 में आने की, क्योंकि आज हम जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते हैं तो हम विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक आज भी हैं। यदि हम वहाँ पे 5वें नंबर पर आएंगे तो हम ईज़ ऑफ डूइंग में 10वें नंबर के अंदर आएंगे, यही मेरा और शायद सबका सपना रहेगा। पांडे जी, मुझे लगता है कि जिस ढंग से पॉलिसी बन रही हैं, निर्धारण हो रहे हैं, और जैसे युवा भारत है ये, अब नई सोच है और एक प्रगति के तरफ सभी लोग लगे हैं, सभी लोगों का प्रयास है कि भारत सशक्त हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे तेज़ी से आगे बढ़े, ये सोच है। और जो हमारी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है और जो वो चाहते हैं कि 2024 तक हमें $5 ट्रिलियन इकॉनमी पे पहुंचना है, अगर ये सारे तत्व मिल जाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जरूर ही उसको हासिल करेंगे और उससे आगे बढ़ जाएंगे। जी अतुल गुप्ता जी, बिल्कुल सर, जैसा कि मनोज पांडे जी ने कहा कि अगर जिस तरीके से हम लोग पीछे 20 वर्ष से और आज का दृश्य देखते हैं, तो जो ईज़ ऑफ डूइंग का माहौल है, जो मैं कहूँ कि हर चीज़ आपके पास आज क्लिक ऑफ माउस पे अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है, IT के अंदर हम एक महाशक्ति हैं, और फिर जिस तरीके से हमारे जो युवा हैं वो स्टार्टअप्स की बात करते हैं या दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात करते हैं, और उसके बाद एक जो एनवायरनमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का धीरे धीरे करके जो है वो एक सशक्त बनता जा रहा है, तो हम लोग जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी जो है शायद 2030 तक जो है वो हम अपने अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो करेक्ट जो कोहेसिव वे में जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में की जा रही हैं और सभी लोग अपना अपना जो रोल है वो बखूबी निभा रहे हैं, तो उससे जो है वो हिंदुस्तान जो है हमारा जो भारत देश है वो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में, इकोनॉमिक शक्ति के रूप में, और इवन एक बात मैं और टच करना चाहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी के साथ,
तो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अपने आप में एक जो है वो अचीव होने जा रही है। के वी आर मूर्ति साहब, आशीष जी, मनोज पांडे जी, अतुल गुप्ता जी और यहाँ आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप इस चर्चा में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यही कि व्यापार एक बार करने की बात नहीं है कि आपने किया, मुनाफा कमाया और बाहर निकल गए। बार बार जो चर्चा में बात आई नीति और नैतिकता की, इसके साथ निष्ठा भी जोड़िए और फिर देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। बड़ी बातें करना एक तरफ, बड़ी बातों पर अमल करना अब वक्त है और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि हम पहले से कितना बेहतर हुए हैं। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।